नमस्कार, आप देख रहे हैं WH न्यूज़र। मैं आपके साथ हूँ शीतल खवसे। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नहीं रही सुषमा स्वराज, हार्ट अटैक के बाद मंगलवार देर रात तक एम्स में लाया गया था। भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज नहीं रही। वह 67 साल की थी। हार्ट अटैक के बाद मंगलवार रात करीब 10:20 उन्हें गंभीर हालत में एम्स में लाया गया। उन्हें सीधे इमरजेंसी में ले जाया गया। 5 डॉक्टर की टीम ने तुरंत उनका इलाज शुरू किया, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। एम्स में लाए जाने से करीब 3 घंटे पहले सुषमा ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी थी। ट्विटर पर बेहद सक्रिय रहने वाली सुषमा ने शाम 7:30 ट्वीट किया था, प्रधानमंत्री जी आपका हार्दिक अभिनंदन, मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हर्षवर्धन और नितिन गडकरी सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता देर रात एम्स में पहुंच चुके थे। सुषमा स्वराज भाजपा की बड़ी महिला नेता थी। 1975 में सबसे कम उम्र की मंत्री बनी। 1975 में सबसे कम उम्र की मंत्री बनी। दिल्ली की भी पहली महिला मुख्यमंत्री रही। सुषमा 1977 में महज 25 साल की उम्र में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी थी। तब वह देश में सबसे कम आयु की कैबिनेट मंत्री थी। 1988 में उन्होंने दिल्ली में भी पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर संभाला था। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में विदेश मंत्री रही सुषमा ने ट्विटर के जरिए विदेश मंत्रालय को आम लोगों के बीच पहुंचा दिया था। ट्वीट के जरिए देश विदेश में लोगों की समस्याएं सुलझाने के चलते वह देश के साथ साथ विदेशों में भी काफी लोकप्रिय थी। भाजपा की कद्दावर महिला नेता सुषमा स्वराज को WH न्यूज का सलाम।